का और सोने चांदी में आज किस तरह की चाल दिखी है, जानने के लिए चलते हैं विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन बताइए। देखिए, अगर आज कमोडिटी मार्केट में, बुलियन मार्केट में आज सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, गोल्ड और सिल्वर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। M6 गोल्ड 56,000 के बेहद करीब बना हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नया रिकॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी ज़्यादा है, 600 से 700 रुपये तक की खरीदारी M6 पर चांदी में दिख रही है और इंट्राडे में ये तेज़ी और भी ज़्यादा दिखी थी। सबसे बड़ी वजह यह है कि US में अब महंगाई घटने के संकेत मिल रहे हैं और 1 फरवरी को जो फेड का डिसीजन आना है उसमें संभावनाएं ये लग रही है कि 4.5% से ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाए और 77% ट्रेडर्स ऐसे हैं उनको यही लगता है कि 4.5% से ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है और उसी डर से डॉलर इंडेक्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। अब 103 के लेवल के भी नीचे डॉलर इंडेक्स आ चुका है, 3.5% के आसपास US का 10-year बॉन्ड यील्ड आ चुका है। तो ये इस सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली बुलियन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में गिरावट नहीं दिख रही है। हर डिप पर यहाँ पर बाइंग लग रही है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि जल्द ही गोल्ड में नया लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोनी सारी जानकारी देने के लिए। तो सोने चांदी में तेजी दिख सकती है और गोल्ड में भी कुछ रिकॉर्ड नए लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आगे